तो कैसा रहा अमेठी जो सांसद जी हैं, कैसा रहा इनका 5 साल, कुछ काम वाम हुआ है आप लोगों के बीच में? इस क्षेत्र में कभी वो आई ही नहीं, भादर ब्लॉक में कभी आई ही नहीं। हम तो उनको मतलब केवल टीवी में या पेपर में ही देखते हैं, बाकी फेस टू फेस कभी इधर आई ही नहीं हम पहचान। स्मृति ईरानी जी हैं, कैसा रहा इनका कार्यकाल 5 साल का? अरे आपकी गर्दा कर दूंगा। गर्दा कर दोगे? हाँ। किसको? स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी को। अब यहाँ अमेठी का जो भी काम हुआ है वो राहुल गांधी के माध्यम से हुआ है, चाहे आप HL देख लीजिए, BHL देख लीजिए, या टीकर माफी में IIIT था, उन्हीं का ही देन था। तो ये क्या देख रहे हैं जो सांसद जी हैं, स्मृति ईरानी जी कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल इनका? 5 साल कार्यकाल तो इनका अच्छा रहा। क्या नाम होगा आपका? प्रदीप उपाध्याय। उपाध्याय पंडित जी? जी जी। अरे महाराज, पंडित जी भी कांग्रेस का गुण गा रहे हैं। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है, इस समय हम अमेठी में हैं। अमेठी गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है और ये इस समय यहाँ अमेठी की राजनीति भी धीरे धीरे गर्म होती नज़र आ रही है। राहुल गांधी का सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी 1 तारीख को आएंगे और यहाँ से नामांकन करेंगे। लगभग उनका चुनाव लड़ना तय है। यहाँ से सांसद स्मृति ईरानी हैं। स्मृति ईरानी 2019 के चुनाव में यहाँ से राहुल गांधी को चुनाव हरा के सांसद हुई थी। 5 साल का उनका कार्यकाल हो चुका है, 10 साल नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा है। अमेठी की बात करें तो अमेठी गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से अमेठी के गांधी परिवार के तमाम लोगों ने यहाँ से इस क्षेत्र की नुमाइंदगी की है, यहाँ से सांसद बनते आए हैं। इस बार क्या माहौल रहेगा लोगों के बीच में, छोटा चौराहा है तो हम जानेंगे लोगों से कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ने आएंगे तो कैसा माहौल रहेगा, क्या फिर से वो इस अमेठी के गढ़ को बचा पाएंगे या फिर से स्मृति ईरानी यहाँ चुनाव जीतने में सफल होंगी। आइए बात करते हैं। तो चुनाव आ गया है, अमेठी का भी सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी 1 तारीख को आएंगे और 1 तारीख को यहाँ आके नामांकन करेंगे, तो इस पे साथ साथ ये भी हम बात करेंगे कि जो सांसद स्मृति ईरानी यहाँ से 5 साल से सांसद हैं, यहाँ गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाली अमेठी सीट पे उन्होंने 2019 के चुनाव में उन्होंने यहाँ से विजय हासिल की थी, तो 5 साल का उनका कार्यकाल कैसा रहा है? अब वो यहाँ पे जब 2019 में चुनाव लड़ने आई थी तो बताई थी कि गैस सिलेंडर हम लोगों को जो है कम दाम में मिलेगा, चीनी 5 रुपये किलो मिलेगी, और हमारे यहाँ एक टीकर माफी में IIIT था। उसके पहले जब राहुल गांधी थे तो IIIT था, और जब वो आई तो IIIT यहाँ से चला गया, और एक फैक्ट्री थी जगदीशपुर साइड में, वो भी फैक्ट्री भी मतलब चली गई। तो और हमारे क्षेत्र में, हम यहाँ पीपरपुर से हैं, इस क्षेत्र में कभी वो आई ही नहीं, भादर ब्लॉक में कभी आई ही नहीं। हम तो उनको मतलब केवल टीवी में या पेपर में ही देखते हैं, बाकी फेस टू फेस कभी इधर आई ही नहीं, हम पहचानते ही यहाँ नहीं आई, नहीं नहीं इधर कभी। लेकिन स्मृति ईरानी सांसद जी जो आपकी हैं, उनका दावा है कि हमने 5 साल में अमेठी में वो कर दिखाया जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। नहीं नहीं, ये तो गलत कह रही हैं, ऐसा नहीं है। हमारे क्षेत्र में कांग्रेस ने इतना बहुत कुछ काम किया कि इसके पहले हमारे यहाँ जो है पूरे अमेठी क्षेत्र में लोगों को फ्री कंप्यूटर सिखाया जाता था, और राहुल जी जब सांसद थे तो ऐसी योजना थी कि सबको निःशुल्क कंप्यूटर सिखाया जाता था। कंप्यूटर साक्षरता मिशन के तहत जो है हर स्कूलों में, मतलब जितने भी एडेड कॉलेज थे, प्राइवेट कॉलेज थे, वहाँ पे 10 कंप्यूटर, जनरेटर और टीचर मिले थे, वो सबको फ्री में निःशुल्क कंप्यूटर सिखाया जाता था, और काफ़ी काम कांग्रेस ने यहाँ किया। और जो है, लेकिन स्मृति ईरानी ये जो कह रहे हैं कि बहुत जो 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, हम कर दिए, ऐसा वो गलत बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम बता रहे हैं स्मृति ईरानी का, स्मृति ईरानी जी ने अमेठी का बाईपास बनवा दिया, कह रही हैं कि हमने वहाँ जो ककवा रोड का ब्रिज है ओवर ब्रिज बनवा दिया, और रोजगार मेरा लगा के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, इस तरह के तमाम काम गिना रही हैं वो। नहीं, ये तो सब काम पहले ही पास हो चुके थे, पहले ही मतलब हो चुके थे, केवल वो हुए इनके कार्यकाल में, लेकिन ये सब पहले ही मतलब प्रस्तावित थे, होना था, वो चाहे वो रहती या कोई भी रहता, वो तो होता ही, काम नहीं हुआ है। नहीं नहीं, तो इस बार क्या देख रहे हैं यहाँ अमेठी में, इस बार राहुल गांधी जब आएंगे, राहुल गांधी स्मृति ईरानी कैसा रहेगा इनका दोनों का मुकाबला? अब हमारे हिसाब से तो राहुल गांधी एक तरफा जीतेंगे, स्मृति ईरानी का मतलब कोई वो नहीं है। एक तरफा? हाँ, एक तरफा जीतेंगे। क्या नाम होगा आपका? प्रदीप उपाध्याय। उपाध्याय पंडित जी? जी जी। अरे महाराज, पंडित जी भी कांग्रेस का गुण गा रहे हैं।
अब उससे मतलब गुण नहीं गा रहे हैं, जो जैसा काम करेगा उसी हिसाब से कर रहे हैं। मतलब हम इसके पहले भी देखे राहुल जी का भी, इनका भी देखे 5 साल में, तो हमको जब जो समझ में आएगा कि अंतर कैसा है क्या है, केवल बरगलाने का और बहकाने का काम कर रही हैं और ऐसा कुछ नहीं है। राहुल जी इस बार एक तरफा जीतेंगे अमेठी में, अमेठी से अगर लड़ेंगे तो। ये उपाध्याय जी कह रहे हैं? हाँ, नहीं हम नहीं कह रहे हैं, पूरी जनता कह रही है। जनता कह रही है जी जी जी, हम नहीं कह रहे। तो कैसा रहा अमेठी जो सांसद जी हैं, कैसा रहा इनका 5 साल? कुछ काम वाम हुआ है आप लोगों के बीच में? कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। उन्होंने सड़कें बनवा दी, कुछ नहीं, बाईपास बनवा दिया। पहले सब प्रस्ताव था, कोका कोला कंपनी आ गई, कुछ नहीं, सब पहले का था, वो बनवा दीजिए। सब पहले का, मतलब 5 साल कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस बार क्या देख रहे हैं, जब राहुल गांधी आज चुनाव लड़ेंगे तो? राहुल गांधी जीतेंगे, राहुल गांधी जीतेंगे। हाँ। राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया जब यहाँ से सांसद थे, तो उन्होंने काम किया था अमेठी के लिए? हाँ, बहुत काम किए। जैसे देखिए, बहुत से नल, घर घर नल, हर चीज़ें उनके उत्था में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, आपके हिसाब से यहाँ से स्मृति ईरानी जो सांसद है वो काम नहीं हुआ? नहीं काम हुआ, काम नहीं। तो इस बार क्या देख रहे हैं, राहुल गांधी स्मृति ईरानी में किसका पड़ा भारी, किसके साथ जनता है? राहुल के साथ। राहुल के साथ? हाँ, राहुल के साथ, राहुल के साथ। राहुल ने इतना काम कराया था अगर, और राहुल के साथ जनता है, तो 2019 का चुनाव हार कैसे गए थे फिर? हार गए तो हार गए, लेकिन जो है अब की नहीं हारेंगे, अब की नहीं हारेंगे ना, अब की जनता साथ है। हाँ, साथ है, पूरा जहाँ देखो तहाँ चर्चा होती है। चलिए ठीक है, ये युवा भी हैं, अब रुक गए हो हमें देख के, तो हम भी क्या करते हैं? हम भैया दिहाड़ी करते हैं, मगर पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे हैं, सर्टिफिकेट दिखा दी मोबाइल में, पूरा पूरा है, ITI अपेंटिस BA सब कुछ कर लिए। इतना कुछ करने के बाद दिहाड़ी कर रहे हैं जी? रीजन ये है कि जो पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है, अब लीक कैसे हो रहा है अब नहीं जानते, आगे वाले सिस्टम जाने। तो लगता है कि इसमें युवाओं के लिए रोजगार का संकट है इस सरकार में? अब हम सरकार का बुराई ना करब, सरकार अपने जगह जो यहाँ सब सही है, अब जो सिस्टम बा ये सिस्टम में गलत है, कौन और कौन बात है वो हम ना जाने। सिस्टम तो सरकार के हाथ में होता है, सरकार ही सुधारेगी ना सिस्टम को। अब ये का हम ना बताते कि भैया सरकार गलत है कि सरकार सही है, हमारे हिसाब से सही है। सरकार में रोजगार मिल रहा है कि नहीं युवाओं को? अब दिहाड़ी के क्या बात है भैया, हमें कौन रोजगार समझी कौन ना समझी, दिहाड़ी के क्या होता है, दिहाड़ी के क्या बात है। अच्छा, जो सांसद जी हैं आपके यहाँ स्मृति ईरानी जी, जी आती हैं आप लोग बीच में? भैया अभी हम कभी ना देखे, वो फोटो वोटो देखे, मगर मुलाकात कभी ना, सामने से नहीं मिलेगी जी, नहीं। तो इस बार अब तो चुनाव आ गया है, राहुल गांधी का भी सुनने में आ रहा है कि 1 तारीख को आ रहे हैं यहाँ नामांकन करने, तो राहुल गांधी स्मृति ईरानी में किसका पड़ा भारी देख रहे हैं, तो टक्कर देख रहे हैं? पड़ला कौन भारी नहीं, हमारे तय सब बराबर है भैया, कहाँ से दिहाड़ी करे वाले आदमी, अब चाहे सरकार उनके बने चाहे सरकार इनके बने, रोजगार नहीं है, रोजगार तो हमारे हिसाब से दिहाड़ी के लौटा ही। हाँ, क्यों भैया, युवा हैं तो युवाओं के लिए कैसा रहा कार्यकाल, खासकर नरेंद्र मोदी जी का 2-10 साल का रहा है, और स्मृति ईरानी जो आपके यहाँ से सांसद हैं, स्मृति ईरानी आती हैं आप लोगों के बीच में, कुछ काम हुआ है? जहाँ तक युवाओं की बात है तो मैं एक युवा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि इस सरकार में युवाओं का बहुत ही अनदेखी किया गया है। शिक्षा के नाम पे जिस तरह नई शिक्षा नीति लागू कर दिया गया है, और बच्चों का जो सेमेस्टर वाइज कर दिया गया, और हर सेमेस्टर में डबल डबल फीस वसूला जा रहा है, उसके साथ साथ आप पुलिस वैकेंसी देख लीजिए, RO AR O देख लीजिए, सारी वैकेंसियों में जो है एक भी वैकेंसी लीक नहीं हुआ, तो बच्चे जो है इस सरकार से तो परेशान है ही, युवा भी परेशान है, और जो भी हैं सब परेशान हैं, युवा हैं, किसान हैं, तो इस बार अमेठी में क्या देख रहे हैं, राहुल गांधी स्मृति ईरानी में कैसा मुकाबला देख रहे हैं आप, किसका पड़ा भारी है? मुकाबला तो यहाँ अच्छा है, और जहाँ तक हमको लगता है कि राहुल गांधी यहाँ से आगे रहेंगे, लीड लेंगे, राहुल गांधी लीड में रहेंगे जी। राहुल गांधी जब यहाँ थे, तो यहाँ से सांसद थे, तो कुछ काम हुआ था? अब यहाँ अमेठी का जो भी काम हुआ है वो राहुल गांधी के माध्यम से हुआ है, चाहे आप HL देख लीजिए, BHL देख लीजिए, या टीकर माफी में IIIT था, उन्हीं का ही देन था। तो हमारी जो माननीय सांसद जी हैं, इन्होंने क्षेत्र में ना तो कभी आया, ना ही उनका हमको कोई काम नहीं लगता, काम होना चाहिए जो धरातल पे दिखे, और उनका काम हमको दिखता है। युवाओं के लिए, युवाओं के नज़रिए देखा जाए तो युवा हैं, तो किससे ज़्यादा उम्मीद रहती या किसकी सरकार में रोज़गार के अवसर ज़्यादा थे? रोज़गार के अवसर तो अखिलेश जी के सरकार में ज़्यादा था, अखिलेश जी के सरकार में। अखिलेश जी ने ऐसा कौन सा काम, मतलब आपको लगता है कि ये काम हुआ था उनकी सरकार में, अच्छा हुआ था?
अखिलेश जी के सरकार में बहुत सारे काम हुए, डायल 100 हुआ, महिलाओं के लिए हुआ था 108, उसके साथ साथ बहुत सारी भर्तियां निकली थी तो उनके शिक्षा का जो शिक्षा में देख लीजिए आप, टीचरों का हुआ तो भर्तियां बहुत सारी निकली थी। इस समय जो है भर्तियों का बहुत टोटा लगा। युवाओं के नज़रिए से मतलब अखिलेश और योगी जी की बात की जाए तो किसका आपको ज़्यादा लगता है कि उनके युवाओं के लिए कौन ठीक जा रहा है सरकार? नहीं, युवाओं के लिए तो एब्सोल्युटली अखिलेश जी। क्यों भैया, जो ये आपके सांसद जी हैं, आते हैं आप लोगों के बीच में, मुलाकात होती है? भैया हमारे बीच में कोई सांसद उनसद नहीं आते हैं, इसका फैसला वही जनता कर देगी। अब की अमेठी में जनता है, आप भी जनता है, तो क्या माहौल देख रहे हैं इस बार अमेठी में, किसका माहौल ज़्यादा है, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? देखिए हम लोग काम धंधे वाले आदमी हैं, हम लोगों को ये नेतागिरी से मतलब कोई नहीं है। ये नेता अपनी झोली भर लेते हैं, ठीक है, बाद में सब गद्दार हो जाते हैं, इसलिए हम लोग मजदूर आदमी अपना काम करते हैं। अमेठी के लिए ज़्यादा काम किसने किया है, किसके सरकार में या किसके शासनकाल में अधिक काम हुआ है? भाई वैसे तो बहुत दिन से लोग यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, महाराज भी जीते हैं, रानी साहब जीती हैं, आनंद विक्रम भाई जीते हैं, लेकिन गायत्री प्रजापति जितना काम कोई किया नहीं है अमेठी। गायत्री प्रजापति जो पूर्व मंत्री थे यहाँ से थे तो उनके कार्यकाल में काम हुआ था? हाँ हाँ, कोई काम ऐसा नहीं किया जितना गायत्री प्रजापति ने काम किया। क्या काम हुए थे? सबसे बड़ा काम तो ये हुआ था रोड का, जो आने जाने में खड्ढा जो दिख रहा था, लोगों को जाने में बड़ी दिक्कत होती थी और इसकी बहुत लोग प्रशंसा करते हैं हर एक क्षेत्र वाले। और रही बात जीतने हारने की, तो ये तो जो जनता है जिसको चाहेगी उसको जिता देगी। चलिए ठीक है। क्यों भैया कैसे हैं? ठीक है। ये बताइए आपकी जो सांसद जी हैं स्मृति ईरानी जी, आती हैं लोगों के बीच, मुलाकात होती है आप लोगों की? नहीं कभी नहीं मुलाकात हुई, कभी नहीं हुई मुलाकात। काम वाम कुछ हुआ है कि नहीं? कुछ कौन सा काम हुआ, कुछ नहीं काम हुआ महाराज, काम ही नहीं हुआ कोई 5 साल में। कहाँ कुछ इधर काम हुआ है, देखो तो गिना रही हैं कि हमने अमेठी का बाईपास बनवा दिया, ओवर ब्रिज बनवा दिया और रोजगार मेला लगा के युवाओं को रोजगार दे रही हैं। रोजगार मिल रहा है ठीक है, लेकिन जो है इधर तो हमें नहीं लगता कि कोई है। तो इस बार चुनाव आ गया है, राहुल गांधी का भी सुनने में आ रहा है कि 1 तारीख को आ रहे हैं नामांकन करने, तो कैसा मुकाबला देख रहे हैं राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में? मुकाबला रहेगा दोनों लोगों का, दोनों रहेगा। अच्छा राहुल गांधी जब सांसद थे यहाँ कुछ काम किए थे अमेठी में? काम तो पूर्वज लोग किए ही हैं। अमेठी को कहा जाता है कि अमेठी गढ़ है गांधी परिवार का, कांग्रेस का, तो गढ़ में कुछ काम हुआ था और इस बार राहुल गांधी अपना गढ़ बचा पाएंगे फिर 19 की तरह? नहीं काम तो हुआ है, पूर्वज लोग काम किए हैं भाई, ऐसा नहीं कांग्रेस काम तो गढ़ ये बचेगा कांग्रेस का कि फिर से? अभी तो चुनाव टाइम पता चलेगा, चुनाव आ गया है, माहौल भी गर्म हो रहा है जी, धीरे 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 बन रहा है। चलिए। क्यों भैया जी, ये जो सांसद जी हैं आपकी स्मृति ईरानी जी, कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल इनका? ठीक है। काम वाम हुए हैं कुछ? अभी काम तो जनता देख रही है, काम हुआ है कि नहीं हुआ है तो जनता जाने। यूपी का चुनाव हो चाहे केंद्र का चुनाव हो, चुनाव जो होता है वो बहुत निर्णायक होता है और जनता ही चुनाव करती है। अमेठी की जनता जो है इस बार चुनाव करने वाली है, वो कैसा चुनाव करेगी ये चुनाव का निर्णय बताएगा। ठीक है, मुकाबला होगा दोनों में कि ये तो राहुल जी की एंट्री के बाद पता लग जाएगा कि मुकाबला होगा। राहुल जी 1 तारीख को आ रहे हैं सुनने में आ रहा है, खबरें चल रही हैं। हाँ तो ये एंट्री जब राहुल जी की होगी उसके बाद ऑटोमेटिक जनता बता देगी कि मुकाबला होगा कि एक तरफा चुनाव होगा, ये जनता खुद जो है अपने आप। आप नहीं बताएंगे? नहीं मैं नहीं बताऊँगा। क्यों भैया क्या देख रहे हैं जो सांसद जी हैं स्मृति ईरानी जी, कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल इनका? 5 साल कार्यकाल तो इनका अच्छा रहा। काम वाम हुआ है? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जैसे बहुत सारे काम हुए हैं, कितनी कॉलोनियाँ बनी हैं, कितने शौचालय बने हैं, रोडें बनी हैं, फ्लाईओवर बने हैं, बहुत सारा काम हुआ है अमेठी में। ऐसा नया कुछ काम हुआ जैसे अमेठी को कहा जाता है कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस राहुल गांधी को हरा के एक प्रधानमंत्री चेहरा थे, होते हैं जब कांग्रेस की रहती है, तो एक प्रधानमंत्री चेहरे को स्मृति ईरानी ने चुनाव हराया, यहाँ की जनता ने चुनाव हरा के स्मृति ईरानी को चुना, तो उस स्तर से काम हुआ जिस उम्मीद के साथ अमेठी ने चुना था स्मृति ईरानी जी को? बिल्कुल हुआ है, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। राहुल गांधी जी अपने जनप्रतिनिधि सांसद निधि का पैसा ही खर्च नहीं कर पा रहे थे, उसमें बच जाता था वापस चला जाता था। ऐसा तो सांसद नहीं है कम से कम अमेठी का कि अपना पैसा तो खर्च कर रहा है वो सांसद निधि का,
राहुल गांधी इतने भोकाली थे कि उनका पैसा नहीं खर्च हो पाता था। इस बार मुकाबला जब राहुल गांधी आ रहे हैं, मुकाबला नहीं है, स्मृति ईरानी जीत रही हैं। जीत रही हैं बिल्कुल, 400 पार का जो नारा है मोदी जी का वो पूरा रहेगा, दमदारी के साथ पूरा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई नो डाउट। ये भी यार बात कर रहे थे लोग, कहते कि आई थी तो चार, सुन तो लीजिए, 13 किलो 13, बात कर रहे हैं कुछ और दबाएंगे कुछ और, 13 रुपए किलो चीनी का वादा बताए थे कि 13 रुपए चीनी मिली कि नहीं किसी को। चीनी हमको जोड़ते नहीं, हम खुद ही संपन्न है, माँ की आँख जो है, क्या उनसे हम चीनी लेंगे जो है। अरे आप संपन्न है, सब अमेठी की सब थोड़ी संपन्न है, जनता संपन्न है, आप सब संपन्न है। बिल्कुल बात खा रहे हैं सब। क्यों जाजा जी, कैसा रहा कार्यकाल, जैसा ये कह रहे हैं युवा हैं तो ये इनका जो स्मृति ईरानी जी हैं, कैसा रहा इनका कार्यकाल 5 साल का? अरे आपकी गर्दा कर दूंगा। गर्दा कर दोगे? हाँ। किसको? स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी को आपकी चली जाएंगी यहाँ से। कहाँ जाएंगे? अब यहाँ जाना होगा हमको। हार जाएंगे। हार जाएंगे, हाँ क्लियर। ये वो तो कह रही है कि सब बीजेपी कहते हैं सब, लेकिन देंगे पंजे पर। हाँ अरे वो तो स्मृति ईरानी कह रही, सुन तो लीजिए, कह रही हैं कि हमने 5 साल में इतना काम किया, 70 साल में कांग्रेस नहीं करा पाई, एक पैसे का नहीं किया, सिर्फ भौकाल रहा बस, जो कांग्रेस किए थी ना उसको मटिया मेट कर दिया। अरे रोड बनवा रही है, बाईपास बनवा दिया, ओवर ब्रिज बनवा दिया, वो बनवाई वो क्या बनवाई, बाईपास देखा नहीं है मीठी का? ये सब पहले से प्रोग्राम था, ये उनका प्रोग्राम कोई नहीं था, उनका नहीं था। ट्रिपल आईटी है खुली थी टिकर में, उसको गर्दा कर दिए, लेके चली गई कहीं और। हाँ स्मृति ईरानी फेल है यहाँ, फेल है, हाँ 101%। अब कह रही है कि राहुल जी डर रहे हैं, आ रहे हैं ना, तो कह रही इसलिए डर रहे हैं कि हार के डर से इसलिए लेट कर रहे हैं। आ रहे हैं, 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 धुआंधार से आ रहे हैं। हाँ गर्दा करेंगे, हाँ चली जाएंगे, चली जाएंगे, घमंड टूट जाएगा। कैसा घमंड? इनका घमंड जो है कैसा घमंड, वही कहती है कि कांग्रेस कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, सब हम ही ने किया। अरे कांग्रेस की तो देन है, जो हम खड़े हैं यहाँ, जो गरीब आदमी हैं वो कांग्रेस की ही देन है। जो कह रहे हैं सब संपन्न हैं, कौन संपन्न है? वो हमारे यहाँ के ठाकुर हैं, लंबरदार हैं। अच्छा, और आप? अरे हम तो उपाध्याय हैं, पंडित जी हैं। हाँ हम भी खा पी रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हमारे हम घी पूरा खा। पंडित जी लोग भी इस बार खिलाफ हैं क्या स्मृति ईरानी जी के? पंडित जी नहीं, सारा सारा जी खिलाफ है। हाँ स्मृति ईरानी के खिलाफ सब हैं, सिर्फ हवा में चल रही हो बस। चलिए हाँ। क्यों भैया, क्या देख रहे हैं, कैसा है माहौल स्मृति? बहुत गड़बड़ है सब। किसका? अरे स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी का काम कुछ हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है, कुछ जो जो कहेगा, जो जो कहे, कोई काम नहीं हुआ ना कुछ, वो पूरा हुआ कोई महत्व? वो तो कह तो रही हैं स्मृति ईरानी जी, कह रही हैं कि हमने 75 साल में इतना काम कर दिया, 70 साल में कोई नहीं कर पाया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी जो बना दिए आज तक सोचेंगे सर। राहुल गांधी जो बना दिए? हाँ वो सोचेंगे। क्या राहुल गांधी कर दिए? अरे अमेठी में जो जो काम कर दिए हैं राहुल गांधी, वो सारी दुनिया देश प्रदेश सोच रही है, देख रही है। हाँ अब 5 साल में कुछ नहीं हुआ। इतना काम किए थे राहुल गांधी, तो 2019 में हार कैसे गए? आ गए, वो उनकी अब छवि है, आ गए, अब उनको होना था, नसीब है उनका। तो इस बार अमेठी वाले मौका नहीं देंगे? नपकी मौका नहीं देंगे। तो ये अमेठी में थे, लोगों के बीच में थे, लोगों के अपने मुद्दे हैं, अपनी राय थी, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।